वैसे वो ऑडियो है बेसिकली सेक्शन की थी से, मैंने पहले भी जिक्र किया था, और उसने एक्जैक्टली ये सवाल पूछा कोई यूथ में से लड़का है कि आई एम अ कंप्लीट फेलियर इन माय लाइफ, मेरे पे कोई एतमाद नहीं करता, मेरे ग्रेड्स कम आते हैं, मुझे सब कहते हैं कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते जिंदगी में, तो मैं सुसाइड करने का सोच रहा हूँ, तो आप मुझे क्या एडवाइस करते हैं? तो शेख शंकीति ने क्या एडवाइस दिया, अल्लाह सो डीप यार, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें किसने कह दिया कि सारी जिंदगी तुम्हारी, सारी दुनिया जो है तुम्हारे ग्रेड्स हैं, तुम्हारे ये नंबर्स हैं, ये तुमने सक्सेस इसको बना लिया, जबकि अल्लाह ताला ने तो तुम्हें किस मकसद पे फाइज किया है, किस मुकाम पे फाइज किया है, तुम्हारा मकसद क्या है, अल्लाह ताला को तुमसे कितनी मोहब्बत है, वो पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर है, इतना जबरदस्त और इतना इमोशनल है, अपलिफ्ट्स यू लाइक एनीथिंग। उसको कहते हैं कि तुम लूजर तब हो गए जब तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाए, उनकी एक सेंटेंस है, उनके सेंटेंस है कमाल का, कहते हैं कि When Allah has told you that the Jannah is ardhu samawati wal ard and you don't find a single plot in that Jannah, this is real loser. कि जब जन्नत की वास्टनेस इतनी ह्यूज है और तुम्हें एक घर ना मिले वहां पे रहने के लिए, देन यू आर लूजर। ये मत सोचो कि मार्क्स हैं या यहां में कामयाब हो गया, अगर अल्लाह दूर हो गया, तुम्हारी नमाज तुमसे नहीं पढ़ी जा रही, तुम बाजमात नहीं जा पा रहे मस्जिद में, तुमसे मस्जिद जाने की तौफीक छीन ली और मां-बाप तुमसे खुश नहीं है, ये लूजर है, बाकी नंबर्स ना मिला। मैं तो स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता हूं कि कोई भी जो भी हमें देख रहे हैं लोग, अगर उनमें से कोई भी ऐसा शख्स है जो अपने ईमान को वर्ल्डली मैटर्स के एतबार से थोड़ा लो फील कर रहा है और डजंट हैव द स्पिरिट टू डू गुड थिंग्स, मेरे ख्याल से ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, इट विल अपलिफ्ट यू। इनफैक्ट अभी एमबीबीएस के एक स्टूडेंट मेरे पास बैठे थे इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, उन्होंने कहा अली भाई इतनी डिप्रेशन है ना इस सेक्टर में, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के सेक्टर में इतना प्रेशर होता है इन पे, और फिर ये सुसाइड भी ज्यादा इनमें, आप इंडिया चेक कर लें, पाकिस्तान चेक कर लें, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स में बहुत सुसाइड है, वजह डर मैं कर नहीं पाऊंगा, डिप्रेशन, मेरी सप्ली आ गई, ये हो गया, वो हो गया, प्रेशर बहुत है, मैंने पढ़ना है, मतलब इतना कम तवक्कल आपका कि आपने एमबीबीएस को खुदा बना लिया, आपने कहा ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी मेरी रोजी रोटी है, बस ठीक है, ये मुझे परफेक्ट अंदाज में मिलेगी तो मैं कामयाब हूं, अदरवाइज मैं कंप्लीट फेलियर। तो मेरे ख्याल जो वीडियो आपने कही है ना, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को मस्त देखनी चाहिए। बल्कि मुझे यहां से एक और बात याद आई कि बहुत से लोग किसी चीज़ में फेल हो जाए ना, उनकी कोई ड्रीम हो, जैसे आपकी भी हो सकता है कोई ड्रीम हो कि मैंने जी ये डिग्री करनी है, उसमें एडमिशन ना हो या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो, आप कभी यूथ के पास बैठे सबसे बड़ी डिप्रेशन की हो जाइए, मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, दो मार्क्स से रह गया, तीन मार्क्स से रह गया, फलानी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, मैं उन्हें कहता हूँ कि 15 साल बाद देखो वेयर डू यू सी योरसेल्फ, और तुम्हें नजर आएगा तुम्हारे बीवी हैं, बच्चे हैं, माशाल्लाह तुम खुश हो, रिस्क आ रहा है तुम्हारे पास, तो ये परेशानियां कहाँ गई, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कितने लोग हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ लेकिन आज पाकिस्तान एयरफोर्स में, मेरी अपनी कजन बहुत रोई थी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, आज विंग कमांडर है पाकिस्तान एयरफोर्स में, माशाल्लाह। हर बच्चे का नहीं ख्वाब होता है, मेरे फादर का भी ख्वाब था कि मैं ना एमबीबीएस करूं, ठीक है, जिसका भी मेडिकल फील्ड से है ना, वो पहला ये होता है कि मेडिकल फील्ड में सबसे जो टॉप चीज है ना वो एमबीबीएस है, तो एमबीबीएस या फिर बीडीएस, ठीक है, इनमें आपने जाने जाना, तो वहाँ नहीं हो सका मेरा एडमिशन, तो उसके बाद तीसरी चॉइस होती है फार्मेसी, तो फार्मेसी में कर लिया, तो हमारी जो क्लास थी उसमें भी सबका ड्रीम यही था, जिससे आप पूछो अच्छा जी आप आए हैं, जिन्हें टेस्ट दिया एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो सारे जो है ना इस तरह आते हैं ये, लेकिन आप देखें कि फार्मेसी से जो लोग निकलते हैं या इसके भी बाद वो अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ एक्सेल करते हैं, तो ऑफकोर्स एमबीबीएस इज नॉट एवरीथिंग, करियर अल्लाह की तरफ से, लेकिन मैं यूथ को एक बात हमेशा बताता हूँ कि देखो बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर मेरा कोई दुश्मन है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, मेरी सोर्सेज काटेगा, वो वाली सोर्सेज जहां से मुझे कुछ उम्मीद मिलती है, कुछ सुकून मिलता है, वो साइकोलॉजिकल मेरी ना शिकस्त कराएगा, उसके बाद मुझे कुछ टॉर्चर करना शुरू करेगा, एग्जैक्ट शैतान जो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारी सबसे बड़ी सोर्स काटता है, वो है तवक्कल अल्लाह पे, सबसे पहले ना हमें अल्लाह से दूर करता है, ये फील करा के कि तू तो गुनाहों में पड़ा है, अल्लाह तो तुझे पसंद ही नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी डाल डाल के बंदा गिव अप करता है, तवक्कल तो दूर की बात, हाथ उठाने की तौफीक नहीं होती, तौबा करने की तौफीक नहीं होती, तो ये समझें कि ये गेम किसकी है, क्लियरली यू आर गिविंग योरसेल्फ टू शैतान, आप उसके हाथ में दे रहे हैं अपने आप को, नचा रहे हैं आपको, बल्कि आयत है ना कोई शैतान तुम्हें फक्र से डराता है ना, इन शैतान यअदुकुम फक व यअमुरुकुम बिलफहशा, हुक्म देता है फोहश कामों का, वही बात है भाई, अपने एनिमी को रिकॉग्नाइज करो, यूसुफ अल इस्लाम की मिसाल आप देखें, उन पे मतलब वो आता है ना तफसीर में कि उन लोगों से उम्मीद थोड़ी लगा ली थी, हालांकि अनइंटेंशनल था, उन्हें कहा कि जाकर बादशाह को बताओ कि मैं यहां पर लॉक इन हूं, तो वो भूल गए, 7 साल वो रहे जेल में, तकरीबन 7 ईयर ऑफ पीरियड, और तफसीर में आता है कि ये क्योंकि जितना बड़ा मकाम होता है उतना बड़ी ट्रेनिंग अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ट्रेंड हिम कि मेरे पे क्यों नहीं तुमने तवक्कल किया, हालांकि उनके अनइंटेंशनल था, हम नबी से ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उन्होंने कोई गलती की, लेकिन अल्लाह की ट्रेनिंग देखें, तुमने मुझे जो है वो नंबर वन मैं हूं लाइफ में, मेरे अलावा किसी और से उम्मीद लगाई तो नुकसान उठाओगे, क्योंकि अल्लाह तो दिल के हालात जानते हैं ना, इस बंदे का दिल किसको देख रहा है, ये अपने रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहा है या मुझ पर रिलाई कर रहा है, और जब इंसान का दिल कहीं हैंकी पैंकी मारे ना, जब कहीं लेफ्ट राइट हो जाए, फिर अल्लाह उसको स्ट्रेट भी करते हैं, और फिर उसको यानी थप्पड़ भी मारते हैं, धचकी भी देते हैं कि ताकि मेरी तरफ लालम यार जी उन, ताकि मैं तो पलट जाऊं। Ask that question कि should people in tawakkul? मतलब कोई particular steps हैं जिनके through tawakkul achieve किया जाता है या? मैं तो समझता हूँ कि पहली चीज़ तो अल्लाह ताला के बारे में जितना जान सकते हैं जाने, क्योंकि एक बात याद रखें कि जब आपकी लाइफ में अल्लाह सुब्हान ताला एक ग्रैंडियर एक डेवलप हो जाएगा अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला जितने बड़े होंगे उतनी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो डिमिनिश और कम होती जाएंगी, जितने अल्लाह ताला की जात आपकी नजर में, मैं फिजिकली बात नहीं कर आपके दिल में बात करूँ, अल्लाह ताला व्हाट हाउ बिग इज अल्लाह इन योर हार्ट, ठीक है, जितना अल्लाह ताला का जो रिस्पेक्ट है या एक वो है नॉलेज है वो कम होगा उतनी प्रॉब्लम्स, ये दोनों यू नो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अल्लाह ताला की जात बड़ी है नॉलेज उसके बारे में ज्यादा है उस पर तवक्कुल है प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, ठीक है, सो गेन नॉलेज बढ़ अल्लाह ताला। नंबर टू इज अपनी जो आयात पढ़ते हैं आप, दुआएं पढ़ते हैं दिन में नमाज के बाद, उनको ना दिल से पढ़ें, मैंने बहुत सारी बातें शेख के साथ बैठे हुए थे, हम मैं उनसे दुआएं पूछी शेख आपकी दुआ सबसे फिट कौन है, अच्छा तो शेख मुझे की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हमें सबसे फिट दुआ पता क्या है, मैंने कौन सी वाली अल्लाह मुझे कुछ चाहिए हो, मैं कहता हूँ कि या मुझे कोई परेशानी हो लाइफ में कोई भी परेशानी हो मैं पढ़ता हूँ अल्लाह माने अलमात होते हैं, कोई रोक नहीं सकता खत देना चाहे, यानी अगर इफ यू हैव रिटन समथिंग फॉर मी
मुझसे कोई रोक नहीं सकता, एंड इफ यू हैव नॉट रिटन समथिंग फॉर मी तो मुझे पूरी दुनिया की मिलकर नहीं दे सकती। मुझे खिताब में भी कहा था ना कि माय हार्ट इज एट पीस, बिकॉज जो चीज़ मुझे मिलनी है वो मुझसे कुछ छीन नहीं सकता, और जो चीज़ मुझसे छीननी है मुझे कुछ दे नहीं सकता। सो माय हार्ट इज एट पीस, मेरे ख्याल में इस चीज़ का रिलेशन।